कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तरफ बीजेपी है जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के 60 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो तीसरे प्रयास में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी तक पहुंची है। जोश दोनों तरफ है और इसी जोश में इंडिया और एनडीए ने पत्ते खोल दिए। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन संविधान बनाम आपातकाल की सियासी जंग शुरू हो गई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने ओथ लेते हुए हमने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। संविधान की दुहाई तो दी लेकिन बात जैसे ही इमरजेंसी की तरफ मुड़ी राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखाने लगे और कार का शीशा बंद हो गया। धन्यवाद। ये देखिए राहुल गांधी की गाड़ी भले ही आगे बढ़ गई लेकिन एनडीए और इंडिया ब्लॉक अब तक वहीं खड़े हैं जहां चुनाव से पहले थे। एक दूसरे पर हमले के हथियार भी वही पहले वाले हैं और परंपरा भी वही पहले वाली निभाई जा रही। इसकी झलक संसद परिसर के भीतर दिखाई देती रही। विपक्ष के तमाम नेता हाथों में संविधान की प्रति लेकर संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन करते रहे। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है, बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है लेकिन उसको अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। जो संसद के बाहर हुआ संसद के भीतर भी उसी का दोहराव दिखा। सांसद पद की शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर के मंच की तरफ बढ़े तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठे राहुल गांधी संविधान की वही प्रति दिखाने लगे जो पूरे चुनाव दिखाते रहे थे। अमित शाह के शपथ ग्रहण में भी यही हुआ। विपक्ष ठान कर बैठा कि वो अभी संविधान का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लाइन लेंथ पहले ही साफ कर चुके हैं। सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।